Hello everyone, here I am discussing periodic test 2 of Bhavan Vidyalaya Chandigarh. So let's start with question number 1. Question number 1 says, P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at point A. Which of the following is incorrect? हमें incorrect option ढूंढना है and it is given to us that P is equidistant from L and M. Means PB is equal to PC and these two angles are 90 degree. It is given. अब incorrect option ढूंढना है and options में अगर ध्यान से देखें BAP and CAP. इन दोनों triangles की बात हो रही है. तो हम देख लेते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं. ट्राइंगल BAP एंड ट्राइंगल CAP, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं PB इज इक्वल टू PC गिवन है, दीज टू एंगल्स आर 90 डिग्री एंड AP इज द कॉमन साइड. तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट लग रही है. द ट्राइंगल BAP is congruent to triangle CAP. Right? कौन से रूल से? Right angle, hypotenuse and side. So these two triangles are congruent by RHS congruency criteria. RHS rule. तो option check करते हैं. दिख रहा है यही option incorrect है क्योंकि ये दोनों triangles congruent तो हैं. पर कौन से क्राइटेरिया से? RHS. और यहां पे क्या लिखा है? साइड एंगल साइड SS रूल. सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन एंड करेक्ट ऑप्शन फॉर अस. क्वेश्चन नंबर 2. अ हेमिस्फेरिकल बॉल हैज रेडियस ऑफ इट्स रिम इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर. द टोटल कैपेसिटी ऑफ 30 सच बॉल्स इज नियरली इक्वल टू. सो वी आर गिवन अ हेमिस्फेरिकल बॉल. This is the hemispherical ball and the radius of its rim. इसकी rim जो है उसका radius. This is given to be 4.2 centimeter. The total capacity of 30 such balls is equal to. हमें ऐसे ऐसे 30 balls की capacity means उनकी volume find करनी है. Right? तो कैन यू टेल मी द वॉल्यूम ऑफ वन सच हेमिस्फेरिकल बॉल. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होती क्या है? 2/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का क्यूब. रेडियस इज गिवन टू बी 4.2. दिस इज 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2. राइट, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ वन हेमिस्फेरिकल बॉल. हमें कितने की निकालनी है? 30. तो 30 की कितनी होगी? मल्टीप्लाई कर दो बाय 30. राइट, पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं 22/7 एंड व्हेन यू कैलकुलेट इट, इट टर्न्स आउट टू बी 4656.96 सेंटीमीटर क्यूब. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. क्वेश्चन नंबर 3. इन द गिवन फिगर बीई इज परपेंडिकुलर टू एसी, CF is perpendicular to AB and BE is equal to CF. Then which of these are not correct? Again we have to find the incorrect option. So let's start with option number 1. Triangle BEC is congruent to triangle CFB. We need to check whether these two triangles are congruent or not. Ye bade wale triangle. तो देखते हैं इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB. एक चीज तो दिख रही है दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री. सो दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच इज 90 डिग्री. राइट, और इन दोनों ट्राइंगल्स में इट इज गिवन दैट CF एंड BE आर इक्वल. गिवन अस दैट BE is equal to CF. और तीसरी चीज दिख रही है, BC is the common side. BC इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी आ रहा है. सो BC is equal to BC. अब ये दोनों ट्राइंगल्स कैसी हो गई? कॉन्ग्रुएंट. क्यों? राइट एंगल है,
हाइपोटेन्यूज है और एक साइड है. अगेन राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड. सो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय आर एच एस रूल. ठीक है, तो ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है. सो दिस इज नॉट आवर आंसर. अगेन ऑप्शन टू, ट्राइंगल ओ एफ बी. ओ एफ बी, ये छोटे वाले ट्राइंगल, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ई सी. अब ये छोटे वाले ट्राइंगल्स चेक करनी है कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं. इन दोनों ट्राइंगल्स में भी अगेन एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, लिख रहा है 90 डिग्री. और ये एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर. वाई? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अब एक साइड चाहिए जिससे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए. अब वो साइड मिल रही है. देखो अभी अभी हमने प्रूफ किया दैट ट्राइंगल बी ई सी एंड सी एफ बी आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, राइट? तो बी एफ इज इक्वल टू सी ई होगा. बी एफ एंड सी, दीज टू आर इक्वल, राइट? तो बाय एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. तो ऑप्शन टू इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ ऑप्शन थ्री, ए बी ई. ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एफ सी. अब क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? कॉन्ग्रुएंट तो लग रही हैं, पर ध्यान से देखो ए बी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? ए एफ. अब क्या ए बी ए एफ के इक्वल हो सकता है? नहीं. तो देख रहे दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री. क्वेश्चन नंबर फोर, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज मोल्डेड इनटू 8 स्फेरिकल सॉलिड बॉल्स ऑफ इक्वल रेडियस. देन द रेडियस ऑफ ईच बॉल इज. सो क्या हुआ, एक सॉलिड स्फीयर था जिसका रेडियस था 10 सेंटीमीटर, राइट? इट इज मोल्डेड इनटू 8 सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स. इससे 8 छोटी छोटी स्फेरिकल बॉल्स बना दी, राइट? इन सबका रेडियस इक्वल है. वी नीड टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल बॉल. सो लेट द रेडियस बी आर, जो हमें फाइंड करना है. अब जब इसको मोल्ड करके ये बनाया होगा तो क्या हुआ होगा, इसकी जो वॉल्यूम है और इन 8 बॉल्स की जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगी. सो वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फेरिकल बॉल, राइट? सो वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल बॉल इज 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस, दैट इज 10 सेंटीमीटर का क्यूब इज इक्वल टू 8 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल बॉल. सो द वॉल्यूम इज 4/3 इंटू पाई इंटू लेट द रेडियस बी आर, रेडियस का क्यूब. We need to find R from here. So 4/3 से 4/3 cancel, pi से pi cancel. It turns out 10 cube upon 8 is equal to R cube. Right? 8 को लिख सकते हैं 2 cube is equal to R cube. So यहां से R क्या आ गया, 10 upon 2, that is 5 centimeter. So the correct answer is option 2. क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू आर पी एंड सी ए इज इक्वल टू पी क्यू, देन वी हैव टू चेक द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, राइट? हमें चेक करना है कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस ठीक है कि नहीं. सो फर्स्ट ऑप्शन सेज पी क्यू आर ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी ए, मीन्स पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी. बट पी क्यू तो किसके इक्वल है, सी ए के. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सेकेंड ऑप्शन,
ट्राइंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर पी क्यू, मीन्स बी ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, आर पी, एंड बी ए मीन्स ए बी, पर यहाँ पे दिया हुआ बी ए इज कॉरस्पॉन्ड टू क्यू आर, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ऑप्शन थ्री, ट्राइंगल सी बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी आर क्यू, मीन्स सी बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, पी आर के, सो सी बी corresponds to RP, correct है. BA किसके corresponding है, RQ, BA corresponds to RQ, correct. And AC किसके corresponding है, QP, and AC corresponds to QP. So this is the correct option. So our answer is option 3. Question number 6. The radius and slant height of a cone are in ratio 3:5. If its curved surface area is 2310 centimeter square, find its radius, height and slant height. Right? So, ratio of radius and slant height is given to be 3:5. So, let the radius r be 3k and slant height l be 5k, right? And it is given that curved surface area of cone hota kya hai? Pi r l. This is given to be 2310. Right? We need to find radius, height and slant height. So, yahan pe value put karte hain. Pi is 22/7 into radius into slant height 5k. This is equal to 2310. यहाँ से can you evaluate k? K square is equal to 2310 into 7 upon 22 into 3 into 5. When you calculate k from here, it turns out to be 7. Right? So k आ गया 7. तो radius बता सकते हो कितना होगा? 7 into 3. That is 21 centimeter. And slant height कितनी होगी? 5 into 7. That is 35 centimeter. अब height भी निकालनी है. पर पहले options check करें. Radius 21 centimeter. यहीं से पता चल गया radius 21 कहाँ है? यहाँ. So the correct answer is option 4. Number 7. In quadrilateral ABCD, BM and BN are drawn perpendicular to AC such that BM is equal to DN. So BM is equal to DN. If BR is equal to 8 cm, BR is 8. Then BD is. We need to find BD. Ab BD find karne ke liye BR diya hua hai 8. We need to find RD actually. Right? And it is given that DN is equal to BM and these two angles are 90 degree. Right? So, dekhte hain, RD aur RB kin triangles mein aa rahe hain? In triangle RDN and triangle RBM. इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर देखें BN इज इक्वल टू BM, इट इज गिवन दीज टू एंगल्स आर 90 डिग्री एंड दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट? तो ये दोनों ट्राइंगल्स आर एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट बाय विच रूल, एंगल एंगल साइड, राइट? सो इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन BR इज इक्वल टू DR. Right, so if this is 8, this is also 8. So BD kitni hogi? 8 plus 8, 16. So the correct answer is option 4. Question number 8. A cone is 8.4 centimeter high and the radius of its base is 2.1 centimeter. It is melted and recast into a sphere. The radius of the sphere is. So actually, we had a cone.
जिसकी हाइट थी 8.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस वाज 2.1 सेंटीमीटर। इट वाज मेल्टेड, इसे मेल्ट कर दिया और इससे क्या बना दिया, एक स्फेयर, राइट। हमें उस स्फेयर का रेडियस, लेट दिस रेडियस बी आर, फाइंड करना है। अब जब इसे मेल्ट करके स्फेयर बनाया होगा, देन वन थिंग रिमेन्स द सेम, दैट इज वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज एक्चुअली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, राइट। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, 1/3 पाई आर, दैट इज 2.1 स्क्वायर इंटू एच, दैट इज 8.4, राइट। दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस आर क्यूब, राइट। तो यहां से आर निकाल लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आर क्यूब क्या आ रहा है, 2.1 स्क्वायर इंटू 8.4 अपॉन 4, ठीक है। अब 8.4 इज एक्चुअली 2.1 इंटू 4, राइट। सो 4 से 4 कैंसिल, आर क्यूब इज 2.1 क्यूब, सो रेडियस इज 2.1 सेंटीमीटर, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 40 डिग्री, देन द मेजर ऑफ अदर टू एंगल्स विल बी। सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज गिवन टू अस, राइट, जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है मान लो, देन द वर्टिकल एंगल इज दिस एंगल एंड दिस इज गिवन टू बी 40 डिग्री, राइट। वी नीड टू फाइंड द मेजर ऑफ अदर टू एंगल्स एंड अदर टू एंगल्स आर एक्चुअली इक्वल, सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, सो इफ दिस इज एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स, राइट। सो वी कैन अप्लाई एंगलसम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, दैट इज 40 डिग्री प्लस एक्स प्लस एक्स, दैट इज सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स इज 180 डिग्री। सो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, 180 माइनस 40, दैट इज 140 अपॉन 2, दैट इज 70 डिग्री एंड 70 डिग्री। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 10, अ 44 मीटर इंटू 11 मीटर शीट इज रोल्ड अलोंग द लेंथ टू फॉर्म अ सिलेंडर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, राइट। सो एक शीट है, रेक्टेंगुलर शीट, जिसकी लेंथ है 44 मीटर एंड ब्रेथ इज 11 मीटर, राइट। इट इज रोल्ड अलोंग द लेंथ, लेंथ के अराउंड रोल कर दिया, मींस से इफ दिस इज द शीट, लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, और इसे लेंथ के अलोंग रोल कर दिया टू फॉर्म अ सिलेंडर। सो दिस इज द सिलेंडर, राइट। अब जब ये सिलेंडर बना, देन लेंथ क्या बन गई, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, एंड ब्रेथ क्या बन गई, हाइट ऑफ सिलेंडर, राइट। सो दिस सिलेंडर इज फॉर्म्ड, जिसकी हाइट है 11 मीटर एंड दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस विच इज इक्वल टू 44 मीटर, राइट। वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है, पाई रेडियस आर स्क्वायर एच, राइट। सो आर इज द रेडियस एंड एच इज द हाइट, हाइट हमें पता है 11 मीटर, रेडियस हमें फाइंड करना। अब रेडियस कैसे फाइंड करें, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस क्या होगी, 2 पाई आर, सर्कुलर बेस होगा, सो 2 पाई आर इज 44, राइट। तो यहां से रेडियस निकाल लेते हैं,
2 into 22 by 7 into radius is 44. So this actually cancels out. R is equal to 7. So the radius is 7 and height is 11. We can easily find the volume of cylinder. Pi, that is 22 upon 7 is into R square, that is 7 into 7 into H. So this cancels out, and multiplying this, 22 into 77. This is actually equal to 1694. So the correct answer is option 4. Number 11. By which congruence rule the following triangles are congruent? So in the triangles ki congruency check karni hai, kaun sa rule se? First option is AAA. AA to humare paas koi rule hi nahi hai. Second is RHS. RHS kaise lagta hai? Right angle triangle mein. Ab right angle diya hua hai? Nahi. SSA. Again koi rule nahi hai. Option 4 SSS. Side 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 congruency rule. Ab tino sides equal di hui hai. Right? So option 4 is the correct answer. Question number 12. It costs rupees 2200 to paint the inner curved surface area of cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of rupees 20 per meter square, find the radius of the base. Right? So we are given a cylindrical vessel. Ye vessel hai, which is 10 meter deep, means height is 10 meter. And we need to find the radius of the base. Radius hume find karna hai. So let the radius be R. Right? अब रेडियस फाइंड करने के लिए हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लें. क्यों? क्योंकि उसको पेंट करने की कॉस्ट हमें दी हुई है, और अगर कर्व सरफेस एरिया आ गया तो रेडियस भी आ जाएगा. ठीक है, तो अब कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालें? देखो, रुपीज 20 पर मीटर स्क्वायर मींस रुपीज 20 में 1 मीटर स्क्वायर पेंट हो रहा है. ठीक है, तो रुपीज 2200 में कितना होगा? हाउ मच मीटर स्क्वायर विल बी पेंटेड? देखें, दैट विल बी 1 अपॉन 20 इंटू 2200 मीटर स्क्वायर. राइट, सो दिस कैंसल्स आउट. 110 मीटर स्क्वायर इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. राइट, अब कर्व सरफेस एरिया होता क्या है? 2 पाई आर एच, वेयर आर इज रेडियस एंड एच इज हाइट. दिस इज इक्वल टू 110. 2 एज इट इज, पाई इज 22 अपॉन 7, रेडियस वी नीड टू फाइंड एंड एच इज गिवन टू बी 10 मीटर. सो दिस इज इक्वल टू 110. अब यहां से रेडियस निकाल लेते हैं. This cancels out. Radius turns out to be 7 into 11 upon 2 into 22. That is 7 upon 4 meters. 7 upon 4 is actually 1.75 meters. So the correct answer is option 1. Question number 13. 6 cubes each of edge 2 centimeter are joined end to end. The total surface area of the resulting cuboid is. So 6 cubes hai 2 cm edge ke jinhe end to end join kar diya. To dekhen cuboid kaisa bana hoga. तो ऐसे क्यूब थे. राइट, सो दीज वर द 6 क्यूब्स ईच ऑफ एच 2 सेंटीमीटर
जिन्हें एंड टू एंड ज्वाइन किया एंड दिस इज द रिजल्टिंग क्यू पॉइंट। ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले इसके डायमेंशन देख लेते हैं कितने होंगे। देखो इसकी लेंथ कितनी होगी, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, दैट इज 2 × 6, 12 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। ब्रेथ कितनी होगी, दिस इज ओनली 2 सेंटीमीटर, सो ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर एंड हाइट दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ, राइट। सो दिस टर्न्स आउट टू बी ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज 24, प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, दैट इज 4, प्लस हाइट इनटू लेंथ, दैट इज ऑल्सो 24, right? So when you calculate this, answer turns out to be 104 centimeters square. So the correct answer is option 4. Question number 14, in the given figure find angle ABD, ratio angle ACD. In dono angles ki ratio find karni hai, and it is given that AB is equal to AC and DB is equal to DC. अब अगर AB AC के equal है, तो इनके opposite angles भी equal, means this whole angle is equal to this whole angle. Means if this is X, this is also X, right? And DB is equal to DC, means in triangle DBC equal sides के opposite angles भी equal, मतलब if this angle is y, this angle is also y, right? हमें निकालना है angle ABD कितना होगा, x minus y, so this is x minus y and this is also x minus y, so इनकी ratio क्या होगी, x minus y ratio x minus y, that is 1:1. So the correct answer is option 1. Question number 15. In the adjoining figure, AB is equal to AC and AD is the median of triangle ABC. Then angle ADC equals, right? A triangle given ABC in which AB is equal to AC. And AD is the median. AD अगर median है, means BD is equal to CD, right? We need to find angle ADC, that is this angle. So this angle is X. इसको निकालना है, और अगर ध्यान से देखें, ये दोनों जो triangles हैं, ये दोनों congruent triangles हैं. क्यों? AB AC के equal, BD CD के equal, and AD is the common side. So by SSS congruency rule, triangle ABD is congruent to triangle ACD, right? So if these two triangles are congruent and this angle is X, this angle is also X, hai na? ADC is equal to ADB. By CPCT, अगर ये भी x है, ये भी x है, और x plus x कितना है, 180 degree. Why? Because they are forming a linear pair. तो यहां से x कितना आ गया, 90 degree. So angle ADC is equal to 90 degree. So the correct answer is option 3. Question number 16. A godown measures this. Find the maximum number of wooden crates each measuring this that can be stored in the godown. So एक godown है जिसकी measurement हमें दी हुई है, उसमें हमें maximum number of crates fill करनी है. अब maximum number of crates कब fill होंगी, जब वो godown पूरा का पूरा भर जाए, means उसकी सारी volume occupy हो जाए, right?
So let the maximum number of trades be n, right? अब ये कब फिल होंगी? When volume of godown is equal to volume of n trades, है ना? सारी की सारी volume crates occupy कर ले, right? अब वॉल्यूम ऑफ गोडाउन पता है क्या होगी, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, व्हिच इज गिवन टू अस, दैट इज 40 इनटू 25 इनटू 50, एंड दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एन क्रेट. वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट क्या होगी? 1.5 इनटू 1.25 इनटू 0.5, एंड वॉल्यूम ऑफ एन क्रेट विल बी दिस मल्टीप्लाइड बाय एन. अब यहां से एन की वैल्यू निकाल लेते हैं. N is equal to 40 into 25 into 50 upon 1.5 into 1.25 into 0.5. Decimal hataya. Right. Cancel out kar de. When you calculate this, this turns out to be 16,000. So the maximum number of crates that can be filled is 16,000. So the correct answer is option 2. Question number 17. The length of the diagonal of a cube is 6√3 cm. The length of the edge of the cube is. अब cube के diagonal की length दी हुई है 6√3 cm. हमें उसकी edge निकालनी है. So let the edge be A. अब याद करो, डायगोनल ऑफ अ क्यूब किसके इक्वल होता है? रूट थ्री इंटू ए, राइट? एंड विच इज गिवन टू बी 6√3 cm. तो यहां से ए कितना आ गया? 6 cm. सो द करेक्ट आंसर इज 6 cm, दैट इज ऑप्शन 4. क्वेश्चन नंबर 18. If two sides and an angle of one triangle are equal to two sides and an angle of another triangle, then the two triangles must be congruent. The above statement is true or false. We have to tell that this statement is correct or not. Right? So, dekhte hain. It says one triangle. Ki two sides, say these two sides. And one angle, say this angle, are equal to two sides and an angle of another triangle, एक और triangle. इसकी भी एक side और दूसरी side और एक angle equal, right? तो क्या ये triangles congruent होंगी? No, the statement is false. क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल साइड का इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए. इफ दिस एंगल इज इक्वल, देन दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अदरवाइज दे आर नॉट, राइट? सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स.